फटाफट से चलते हैं डॉल लेने, यहाँ पे रख देते हैं। आज है डे टू क्योंकि कार के मतलब रेडी कर रहा हूँ अभी। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस अभी जो है लोग यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डॉल केक है ये हाफ रेडी हो चुका है, इसके लिए हम डॉल लेने आएंगे। तो फटाफट से चलते हैं डॉल लेने। गाइस अभी जो है हम डॉल ले लिया है, पूरी जो गड्डी आती है डॉल की वो लिया है और इस केक को रेडी करते हैं। और इन डॉलों को यहाँ पे सेट करना है ऊपर, तो इसको हम करेंगे बाद में। तो अभी के लिए हम जो डॉल रखते हैं यहाँ पे रख देते हैं और इसमें से एक डॉल निकाल लेते हैं। ये होती है गाइस डॉल जो कि केक पे लगती है। तो फटाफट से गाड़ी की चाबी जो है हम वहाँ पे सेफली रख देते हैं ताकि बाद में मिल जाए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ रख के, फिर बाद में दिक्कत होती है। यहाँ पे डाल दी। अब फटाफट से जो है यहाँ पे लगाते हैं पहले डॉल को, उसके बाद आप लोगों को केक दिखाता हूँ। और ब्लॉग बनाते हैं आज पूरा प्रॉपर, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ था लाइट नहीं आ रही थी, प्लस काम भी नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने क्या ही ब्लॉग किया, मतलब मन ही नहीं हुआ। फिर आज फटाफट से आप करते हैं। और यहाँ पे एसी चल रहा है हमारा और रिंग लाइट चला लेते हैं पहले, और थोड़ी सी एक वीडियो शूट करते हैं कार केक की, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लो, केक शॉप बात सर्च करो ऊपर और हमारा नाम सबसे टॉप पे आएगा। केक शॉप से हमारा नाम टॉप पे आ जाता है। तो फिर उससे सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम पे और कार केक की वीडियो देखो और बताओ कमेंट करके वहाँ पे केक कैसा बना, और इसमें भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बताना आप लोग कैसा बना केक। तो मिलते हैं आप लोगों को कार केक बनाने के बाद। अभी जो हमारा कार केक कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको ये देखो मेरे पीछे कार केक रखा हुआ है और ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको सही से दिखाता हूँ ये देखो। और आप लोग कमेंट करके बताओ ये केक कैसा लग रहा है आपको। और साथ ही साथ मैंने ये केक ऑलरेडी कराया है गाइस, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है डॉल केक, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वाला डॉल केक, और कमेंट करके बताना। यहाँ पे आप लाइट में बहुत ब्लिंग होती है, पता नहीं इसका कोई सॉल्यूशन बताना भी।